लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग शूट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताए थे कि हम लोग ने इंडिविजुअल रिव्यू किए थे, बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन अचानक से आ चुका है, तो लोगों के पास कन्फ्यूजन है कि कौन सा मॉडल हम लोग लेंगे। मतलब अभी जैसे मान लो अभी मेरे पास अभी स्टैलियन है, टॉरस है, अटल है, क्रेटा है, बहुत सारे ब्रांड्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो 32 में भी है, 45 कैलिबर में भी है, 34 में भी है। तो हम लोग हमको ज़्यादातर पूछते रहते हैं कि विच वन वी शुड बाई, क्योंकि दे आर वेरी गेटिंग कन्फ्यूज। तो आज हम लोग एक कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि डिटेल रिव्यू हम लोग ने पहले हमारा पहले जो वीडियोस है उसमें हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आज हम लोग सिर्फ इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके आप लोग पे छोड़ देंगे कि आपको इस पे एटलीस्ट अंदाजा तो हो जाएगा कि आपको कौन सा आप इसमें लेना चाहते हैं। एटलीस्ट आप पॉइंट आप जॉट डाउन कर सकते हैं कि आपका चॉइस क्या रहेगा। तो चलिए हमारे पास अभी देखिए हम सारे 32 पिस्टल में हम लोग रिव्यू करेंगे। तो ये जो पिस्टल्स है ये सारे के सारे पिस्टल्स हमारा एक कलकत्ता का एक कांडिलर है, इसके बंजन सन्स, उसके दुकान में अवेलेबल्स है। इसको छोड़ के बहुत सारे अदर मॉडल्स भी अवेलेबल है। तो सिंस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 32 कैलिबर टुडे, तो आई एम शोइंग यू ओनली द 32 पिस्टल्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी अदर मॉडल्स आर आल्सो अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल एंड चीप प्राइस। तो ये उसका कार्ड है, हम लोग उसका नंबर्स भी आपको दे देंगे। आप जब मतलब अगर आपको इंक्वायरी करना है तो इफ़ यू हैव अ वैलिड लाइसेंस, आप लाइसेंस के कॉपी के साथ डीलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास हम यहाँ पे स्टैलियन है, टॉरस है, यहाँ पे अटल भी है और ग्रेटा भी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो वेट है, इस वेट के बारे में। देखिए ये जो पिस्टल है, ये पिस्टल आपका स्टैलियन का है। स्टैलियन का जो वेट है, ये स्टैलियन का वेट है 750 ग्राम्स विद मैगजीन, जबकि टॉरस जो है, टॉरस थोड़ा सा हेवी है। अगर मैं साइड में रखूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे साइड में रखता हूँ, तो टॉरस थोड़ा सा बड़ा भी है और ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा सा थिक भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, इसके साथ मैं इसको अटल को रखता हूँ और उसके साथ में अगर ग्रेटा को रखता हूँ, तो आपको पता भी चल जाएगा कि किसका थिकनेस कैसा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं किसका, टॉरस का सबसे ज़्यादा थिकनेस है, अटल थोड़ा सा सबसे कम है, और उसके बाद आपका ग्रेटा आता है और उसके बाद आपका स्टैलियन आता है। साइज़ के हिसाब से देखें तो आपका जो ग्रेटा है और आपका जो अटल है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज़ का आता है और सबसे छोटा है, जबकि इसका ग्रेटा और जो अटल का जो साइज़ है, ये साइज़ सबसे ज़्यादा कंसिलेबल है। अगर मैं इसको कंसीडर करूँ आपका टॉरस के साथ, तो टॉरस उससे काफ़ी बड़ा है और आपका स्टैलियन भी थोड़ा सा बड़ा है। अगर स्टैलियन और टॉरस में कंसीडर करूँगा, तो स्टैलियन से टॉरस थोड़ा सा छोटा है और सबसे बड़ा स्टैलियन टॉरस ही है, और टॉरस का जो साइज़ है, ये साइज़ भी थोड़ा सा हेवी है। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ में आपका जो इसका ओवरऑल लेंथ है, स्टैलियन का जो लेंथ है, ये स्टैलियन का लेंथ है आपका 6.8 इंचेस का है, और टॉरस का जो लेंथ है ये है 6.96 इंचेस का, और अटल का है 152 mm का, और ग्रेटा का भी सेम ही है 150 के आसपास ही इसका अपना 154 का आपका इसका जो लेंथ है। इसका जो अभी बात करते हैं इसका जो हाइट है, इस हाइट में अगर आप देखें तो इसका हाइट जो है, इसका हाइट है 4.5 इंच का हाइट है, और टॉरस उससे थोड़ा सा हाई है। आप देख सकते हैं अगर मैं आपको, इसका हाइट थोड़ा सा हाई है, तो ये जो इसका हाइट है, इसका 4.5 इंचेस का है और इसका है 5.11 इंचेस का हाइट है टॉरस और स्टैलियन में। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसका जो अटल है और ग्रेटा है, इन दोनों का साइज़ करीबन सेम ही है, दोनों में कोई साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑटल का है 128 mm और ग्रेटा का उसके आसपास है। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, बट उसका लुक्स लाइक फ्रॉम द विजुअल इंस्पेक्शन दैट इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द सिमिलर साइज। चलिए बात करते हैं इसका बैरल लेंथ का। बैरल लेंथ जो है स्टैलियन का, स्टैलियन का जो बैरल लेंथ है, ये आपका 97 mm, मतलब 3.81 इंचेस का है। टॉरस का जो बैरल लेंथ है, ये 4 इंचेस का बैरल लेंथ है। अटल का जो बैरल लेंथ है, ये 85 mm का बैरल लेंथ है, ये सबसे छोटा है। और ग्रेटा का जो बैरल है, ये ग्रेटा का बैरल टॉरस से, अटल से थोड़ा सा बड़ा है। मतलब आप देख सकते हैं इसका जो चेंबर है, ये चेंबर यहाँ पे इसका एंड होता है, मतलब
अगर हम लोग इसको इसका जो चेंबर है यहाँ चेंबर यहाँ से शुरू हो जाता है, जबकि क्रेटा का जो चेंबर है इसका आप देख सकते हैं दोनों का चेंबर, इसका जो बैरल है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा बड़ा है अगर मैं बैरल को कंपेयर करूँ तो क्रेटा और अटल का। और जो अभी इसके बाद बात करते हैं राइफलिंग का, तो राइफल का चारों पिस्टल का ही राइफलिंग आपका सिक्स ग्रुप राइफलिंग है, राइट हैंड राइफलिंग है। बैरल ट्विस्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों सबका, ये 250 mm मतलब 9.86 इंचेस का आपका जो राइफलिंग ट्विस्ट है वो राइफलिंग ट्विस्ट है सबका। आते हैं अभी मटेरियल का पिस्टल का, तो देखिए टॉरस का सॉरी स्टैलियन का जो स्लाइड मटेरियल है, स्लाइड मटेरियल है कार्बन स्टील का। टॉरस का जो स्लाइड मटेरियल है ये भी है आपका स्टेनलेस स्टील का, जबकि आपका ऑटल का है ये भी आपका कार्बन स्टील का मटेरियल है और ये भी आपका स्टील मटेरियल है। तो स्लाइड सारे के सारे फायर एंड ग्रिड्स का है। फ्रेम में आते हैं तो फ्रेम में स्टैलियन का और टॉरस दोनों का एल्युमिनियम फ्रेमिंग है, अटल का भी एल्युमिनियम फ्रेम है, क्रेटा का स्टील फ्रेम है। मतलब क्रेटा इज द ओनली पिस्टल विच इज हैविंग अ फुल स्टील बॉडी, मतलब फ्रेम और स्लाइड सब कुछ इसका फुल स्टील में है। बाकी तीनों पिस्टल का जो फ्रेम है ये फ्रेम हाई ग्रेड एल्युमिनियम या हार्ड एनोडाइज्ड एल्युमिनियम का ये फ्रेम है। कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा आपका स्टैलियन में ही आता है। स्टैलियन का जो एक मैगजीन है वो 15+1 कैपेसिटीज देता है, तो टोटल 16 शॉट्स आपका इसमें मिलेगा। नॉर्मल कैपेसिटी इसका 13 शॉट्स है। टॉरस का जो कैपेसिटी है, टॉरस का कैपेसिटी भी 13 शॉट्स ही है। अटल का जो कैपेसिटी है ये भी आपका अटल का है 13+1 मतलब ये 14 शॉट्स का आता है, और क्रेटा का भी जो कैपेसिटी है ये 13+1 14 शॉट्स में आता है। तो कैपेसिटी के हिसाब से आपका जो स्टैलियन है, स्टैलियन सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आपको दे रहा है, बाकी तीनों का पिस्टल आपका 13 या 14 शॉट्स का कैपेसिटीज में आता है। अभी आते हैं डीकॉकिंग मैकेनिज्म में, तो देखिए डीकॉकर में आपका जो स्टैलियन है इसमें कोई डीकॉकर नहीं है, इसमें सिर्फ आपका यहाँ पे एक्सटर्नल सेफ्टी है अपना एम्बिडेक्सस, और जो आपका जो टॉरस है टॉरस में आपका डिकॉकर है, मतलब आप डिकॉकिंग कर सकते हैं इसको। तो इसका जो डिकॉकिंग लीवर है ये डिकॉकिंग लीवर, इसको मैं आपको ऐसे आपको इसको डाउन करके इस लीवर को आप नीचे से तरफ अगर खींचेंगे तो ये डिकॉक हो जाएगा। इसका डिकॉकर है जो कि आपका स्टैलियन में नहीं मिलेगा। ये जो पिस्टल है अटल, इसमें डिकॉकिंग फैसिलिटीज का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल हैमर नहीं है, इंटरनल हैमर स्ट्राइक फायरिंग पिन का मैकेनिज्म में यूज़ होता है। ये ग्रिप सेफ्टी इसका ट्रिगर सेफ्टी में काम करता है, तो इसका डिकॉकर का ज़रूरत नहीं है। और डिफेंडर जो है, डिफेंडर में भी आपका डिकॉकर अवेलेबल है, पर इसमें एम्बिडेक्सस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे आपको डिकॉकिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है। इसको ऐसे डाउन करेंगे तो ये जो है आपका इसके नीचे दबाने से यह उसका डिकॉकर काम कर लेगा। तो ये चारों पिस्टल में से आपका इसमें डिकॉक इसको छोड़ के बाकी दोनों में डिकॉकर अवेलेबल है, इसके लिए डिकॉकर एप्लीकेबल नहीं है। आते हैं इसका जो लोडेड चेंबर इंडिकेटर है, लोडेड चेंबर इंडिकेटर, इसमें भी लोडेड चेंबर इंडिकेटर आपका मिल जाएगा, इसमें भी लोडेड चेंबर इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको लोडेड चेंबर इंडिकेटर मिल जाएगा, और इसमें भी आपको लोडेड चेंबर इंडिकेटर इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आई डोंट थिंक लोडेड चेंबर इंडिकेटर है, यहाँ पर मेरे को दिख भी नहीं रहा है, नहीं मेरे को यहाँ पे लोडेड चेंबर इंडिकेटर दिख नहीं रहा है, तो आई हैव टू रीचेक, बट अभी तक इसमें मेरे को लोडेड चेंबर इंडिकेटर दिख नहीं रहा है। आते हैं पिकेटनी रेल का, पिकेटनी रेल इसमें नहीं है, इसमें भी पिकेटनी रेल यहाँ पे दे सकता था, पता नहीं नेक्स्ट मॉडल में ये आएगा कि नहीं, पर यहाँ पे पिकेटनी रेल नहीं है। अटल जो है ये अटल इज लिटिल मोर कॉम्बैट डिज़ाइन, यहाँ पे पिकेटनी रेल है तो आप इसमें आपका एक्सटर्नल एक्सेसरीज इसको माउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रेटर का जो रिवॉल्वर पिस्टल है इसमें भी आपका यहाँ पे पिकेटनी रेल है, तो आप इस रेल पे एक्सेसरीज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
ये सारे के सारे पिस्टल जो है, ये सारे के सारे पिस्टल्स, तीनों पिस्टल्स, ये पिस्टल्स सारे के पिस्टल्स डबल एक्शन मोड में है, सिवाय इसको छोड़ के यू नो इंटरनल हैमर्ड है, तो इसके लिए आपका डबल एक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आते हैं इसका जो ट्रिगर है, ये सारे के सारे डबल स्टेज ट्रिगर है, ये टू स्टेज सॉरी डबल एक्शन ट्रिगर है, ये भी डबल एक्शन ट्रिगर है, ये भी डबल एक्शन ट्रिगर है, और ये भी डबल एक्शन ट्रिगर है। और ये जो पिस्टल है, ये पिस्टल आपका ट्रिगर बेस्ड सेफ्टी में है, मतलब ट्रिगर सेफ्टी में काम करता है। तो आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये उसका ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेकानिज्म में देखिए, ये सारे के सारे जो पिस्टल है, इसका जो बैरल है, ये बैरल आपका फिक्स्ड बैरल है। इसका सारे के सारे पिस्टल जो है, इस सारे के सारे पिस्टल आपका फिक्स बैरल है, जबकि ये पिस्टल जो है इसका टिल्टिंग बैरल है। मतलब इसका जो आपका जो बैरल है, मैंने हमारा जो वीडियो है, वीडियो में दिखा था, इसका टिल्टिंग बैरल है। तो इसका मेकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका फिटिंग रिकॉयल इसका लो बोर एक्सिस के चलते इसका रिकॉयल भी थोड़ा कम है, और इसका बैरल टिल्टिंग होने के कारण इसका फिटिंग बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अभी आते हैं इसका ब्रिज बता दिया, डबल एक्शन बता दिया, पिकेटिंग रेल बता दिया, ओवरऑल लेंथ बता दिया, हाइट बता दिया, वेट भी बता दिया। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब, अगर किसी को मान लीजिए लाइट वेट वेपन पसंद है, जिसको थोड़ा मतलब लाइट वेट कंसील कैरी के लिए है, तो उसके लिए अटल जो है सबसे लाइट है। 500 ग्राम का पिस्टल है, बहुत ही लाइट वेट है, 14 शॉट्स में आता है, तो ये बहुत ही आपका लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज के लिए ये पिस्टल बहुत ही सही रहेगा। बट आपको देखना पड़ेगा इफ़ यू आर कंफर्टेबल हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ पिस्टल, और इसका जो पॉलीमर फ्रेम जो है, इसका जो जो फंक्शनलिटीज है, इसको आपको रिव्यू करने के बाद ही इसको लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर सब कॉम्पैक्ट में आते हैं तो ये ग्रेटर ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पिस्टल, ऑल स्टील बॉडी, बैक्ड अप बाय बेरेटा फॉर टेक्निकल सपोर्ट। तो ये बेरेटा नेक्स्ट में आता है, सॉरी ग्रेटर नेक्स्ट में आता है। उसके बाद आपका कॉम्पैक्ट में, सब कॉम्पैक्ट में आता है आपका स्टैलियन। स्टैलियन का जो पिस्टल है, स्टैलियन का पिस्टल भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, सब कॉम्पैक्ट है, आपका कौनसिल कैरी के लिए ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा हेवी जो है ये आपका टोरासी है, पर इसका सॉलिड बिल्ड है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सही है, बट ये थोड़ा हेवी है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वाइज, ये था बेसिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फॉर ऑल फोर पिस्टल्स, आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा। तो विजुअल इंस्पेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये पिस्टल में से आपको आपके पर्पस के लिए कौन सा पिस्टल सही रहेगा, और आपका जो पर्पस है वो कौन सा पिस्टल से आपको फुलफिल कर सकते हैं, कैपेसिटी वाइज, वेट वाइज, साइज वाइज एंड फंक्शनलिटी वाइज। प्रोज में तो मैंने सबको बता दिया, कौन सा हम लोग अलग से कुछ नहीं, अलग से नहीं बता पा रहे हैं, बट मेरे को देखिए अगर कुछ कॉन्स में, जैसे ये जो पिस्टल है, इस पिस्टल में अगर एक पिकेटिनली रेल दिया जाता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर, मैं एक्सपेक्ट करता था। और सेकेंड थिंग, इसका एक डिकोकल ऑप्शन होता तो और अच्छा होता, बट ये क्लासिक बेरेटा डिज़ाइन में है, तो जिस लोगों को बेरेटा क्लासिक डिज़ाइन पसंद है या क्लासिक ओल्ड टाइम डिज़ाइन पसंद है, वो लोग डेफिनेटली इस पिस्टल को कंसीडर कर सकते हैं। इसका लुक एंड फिनिश एब्सोल्युटली क्लासी है। ये जो पिस्टल है, ये पिस्टल बहुत ही सॉलिड बिल्ड पिस्टल है, ओरिजिनल ब्राज़ील का जो मॉडल है उसका कार्बन कॉपी है, कोई भी अंतर नहीं है। ये एकदम देखने में ही बहुत सॉलिड फिट होता है, हाथ में भी बहुत सॉलिड होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी अनक्वेश्चनेबल है। तो जो लोग इसका थोड़ा रफ कैरी करने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए पिस्टल कंसीडर कर रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि दे फील सम वेटी पिस्टल इन हैंड टू कंसीडर, दे कैन डेफिनेटली कंसीडर टॉरस। दिस इज अ इंडिजिनियस पिस्टल फॉर यू नो अगेन फॉर दिस टॉरस। एक्चुअली आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव अ पिकाचिनी रेल हियर बिकॉज इट इज आई मिसिंग हियर राइट नाउ। तो ये जो पिकाचिनी रेल होने से इसमें भी ये जो एक्सेसरीज फिट करने का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन बढ़िया हो सकता था। तो ये थोड़ा मेरा इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज है। और इसका जो कॉकिंग इफर्ट है ये थोड़ा सा हार्ड है, बट दैट इज़ अप टू यू कि आपका हाथ में वो कैसे फील हो रहा है, हाउ गुड यू आर हैंडलिंग दिस पिस्टल। रिगार्डिंग दिस अटल, ये तो बहुत ही लाइट वेट है, स्पेशली द पीपल यू नो जो हु नीड लाइट वेट वेपन्स टू कैरी, और फॉर द लेडीज लाइक दे कैन इजिली हैंडल दिस पिस्टल। इट्स अ वेरी स्वीट एंड क्यूट पिस्टल टू यू नो कंसिडर।
but thing is there are some cons as well because of this, you know, it's a indigenous design and the frame and the kind of, you know, the support they are providing here and here. So I don't know the question of reliability, how reliable this weapon would be unless we get to, you know, test it over the time. But as of now, it's a good options to consider. Le sakte hain, isko consider kar sakte hain for, you know, concealed carry purpose or lightweight weapon ki tarah se. Greta का जो है, ये Greta का एक खासियत ये है कि देखिए इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम बिकॉज ये जो पिस्टल है छोटा छोटा पिस्टल है, सब कॉम्पैक्ट लेवल में है, ऑलमोस्ट वॉल्थर पीपीके का, यू नो, अपीयरेंस में आता है. इसका सपोर्ट Beretta देता है, फुल स्टील बॉडी है, ऑल मेटल, कोई भी अल्मोनियम फ्रेमिंग नहीं है, डबल एक्शन है साढ़े तरफ से, और इसका, यू नो, मैगजीन कैपेसिटीज भी 14 शॉट्स का कैपेसिटीज है, तो एवरीवेयर इट इज, यू नो, फुलफिलिंग योर पर्पस. सो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाएगा, मतलब इसको देखने के बाद. फिर भी अगर क्वेश्चंस है, अगर कोई क्वेरीज है, आप बेचिचक हम लोग को मेल कर सकते हैं. अगर आपको पिस्टल का प्राइस के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली डीलर को फ़ोन कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं. तो दिस आर माई रिव्यूज अबाउट दिस पिस्टल फॉर फ्रॉम द नो एस्थेटिक एंड टेक्निकल साइड. We haven't fired this pistol over the range yet, so we cannot give you the firing reports or the, you know, grouping report as of now. But from the reliability and the specification purpose, I think this is good enough information for you to consider your, you know, choice of pistols. So उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आपको थोड़ा तो आइडिया हो ही जाएगा कि इसमें आपको कौन सा आपका पसंद होगा या आपका कौन सा पिस्टल आपका प्रिफर्ड चॉइस में रहेगा. इसके बाद इसका जो फायरिंग टेस्ट है, ग्रुपिंग है, ग्रुप की टेस्टिंग है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. जब हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग इसका फील्ड टेस्ट रिपोर्ट भी देंगे. बट एटलीस्ट विजुअल इंस्पेक्शंस, टेक्निकल एस्पेक्ट्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये चारों पिस्टल आप कंपेयर कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप एक बेसिक डिसीशंस ले सकते हैं कि एटलीस्ट मेरे को कौन सा पिस्टल लेना है. तो ये था हमारा शॉर्ट एक कंपैरिजन रिव्यू फॉर ऑल फोर पिस्टल्स. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा. अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है, आप डायरेक्टली हम लोग को पूछ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर ज़रूरत पड़े तो आप, यू नो, हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. और नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग, यू नो, बने रहिए हमारे साथ. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. जय हिंद. जय भारत.